Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, VU के final term papers of fall 2023 हो रहे हैं और different papers मैं collect करके हर बार अपने channel पर upload करती हूँ ताकि idea provide किया जाए कि किस type के questions पूछे जा सकते हैं, कि किस type के questions आते हैं, ये important है, आइडिया हो जाता है. एम सी क्यूज़ की जो गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आप लेटेस्ट क्विजेस करें प्रिपरेशन के लिए, यानी आपके जो हो रहे हैं क्विजेस, क्योंकि ज़्यादा पास्ट से अच्छा है कि आप जो लेटेस्ट क्विजेस हैं वो प्रिपरेशन के लिए करें. आज का जो पेपर है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रैक्टिकल यानी लैब का पेपर है, ठीक है. तो किसी ने शेयर किया है, सो लेट्स सी. एमसीक्यू सारे कॉन्सेप्चुअल थे लेकिन इजी थे. 4 एमसीक्यूज फॉर्म में से आए हुए थे. बटन्स, लिस्ट, बॉक्स, रेडियो बटन, ठीक है. 6 एमसीक्यूज व्यू से आए थे. मैंने जब CS 403 का भी पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था, व्यूज़ का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट जा रहा था, उसमें क्रिएट भी करना है, डिपेंडेंसीज से था, नॉर्मल फॉर्म से था, SQL जो रिलेटेड क्यूरीज हैं वो कीजिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास SQL सर्वर किसने डेवलप किया था. MCQs था रेड की फुल फॉर्म बतानी थी, यानी एब्रिविएशन बतानी थी. लॉन्ग क्वेश्चन में था, 1 कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी थी. मैकडोनल्ड है, ऑर्डरिंग सिस्टम की स्नैरियो गिवन था, स्नैरियो था तो उसकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ड्रॉ करें. 1 ER डायग्राम बनानी थी गिवन रिलेशन सेट और स्नैरियो से, यानी स्नैरियो गिवन था यानी स्टेटमेंट्स गिवन थी, उसे ER डायग्राम ड्रॉ करनी थी. टेबल्स दिए हुए थे, 2 उन पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन करना था और रिजल्टेंट टेबल देना था. फिर ये भी बताना था कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ बी इंटरसेक्शन ए और नॉट, ये इस तरह से कुछ सॉल्व करना होगा. आप लोगों ने किया, आपको आइडिया होगा कि किसकी बात हो रही है. एनकोडिंग एंड कंप्रेसिंग टेक्निक दी हुई थी, टेबल बनाना था. लुकअप टेबल कंप्रेशन मैथड के लिए वो टेबल बनाना था, लुकअप और गिवन टेबल मॉडिफाई करना था, ठीक है. ये क्वेश्चन हैं. अच्छा, आगे भी बताया हुआ है. SQL स्टेटमेंट्स दी हुई थी टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फॉर एम्प्लॉय टेबल, यानी SQL क्यूरी बताओ. और सेकंड थी कि एवरेज सैलरी में एम्प्लॉयज़ की निकालनी थी जो सेम डिपार्टमेंट की थी, रिलेशन और टेबल स्ट्रक्चर गिवन था, यानी आपने क्यूरीज लगानी थी. ओवरऑल पेपर जो था, बोथ पेपर्स यानी प्रैक्टिकल का और दूसरा जो CS 403 का, तो वो ईजी एंड कॉन्सेप्चुअल. अच्छा जी, ये सेट नंबर 1 है, ठीक है. और भी पेपर्स आते हैं, इसका जो थ्योरी पेपर है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.